ऑरेंज टी बनाते हैं फ्रेंड्स। कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। अभी चल रहा है ठंड का मौसम और इस तरह के संतरे बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह से संतरे को बीचे बीच काट लेना है, रसीले और फ्रेश ताज़ा ताज़ा संतरे दिखने में बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए इस तरीके से काट कर हम इसके बीच की जो पल है ना, जो बीज के गुदे हैं उसको इस तरह से चम्मच की मदद से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये इसके अंदर मिनरल और विटामिन इतना ज़्यादा है ना, बता नहीं सकते फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके की चाय जरूर बना के पीजिएगा, जैसे मैं चाय आपको बता रही हूँ। और ये शुगर फ्री चाय बना रही हूँ मैं, हनी डाल के बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैंने आधा ऑरेंज निकाल लिया है और इसके टुकड़ों में इस तरह से कर रही हूँ। और एक कप चाय के लिए मैंने एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया है गैस पे। फ्लेम को हाई कर देंगे और दो इसमें लौंग डाल दिया है, एक इलायची डाल दिया है, आपको जो मसाले पसंद हो वो डाल दीजिए और उसको अच्छे से खोलने दीजिए। इस तरीके से एक टूथपिक की मदद से इस तरह से थोड़े से बीचों बीच हम इस संतरे में होल्ड कर लेंगे और नीचे कप रख देंगे फ्रेंड्स। और थोड़ी सी चाय पत्ती जितनी आपको लगती हो, तो मैंने आधा चम्मच चाय पत्ती लिया है और हमारा संतरे का जूस ये अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स। आप अगर चीनी पसंद करते हैं तो साथ में चीनी डाल दीजिए उसके अंदर, और नहीं गुड़ पसंद करते हैं तो गुड़ डाल दीजिए। धीरे धीरे ही ये ड्रॉप बन के अंदर चाय बनेगी, जो हमारी चाय का स्वाद भी आएगा और बहुत ही सेहत से भरपूर ये चाय बनेगी। आप देख सकते हैं किस तरह ड्रॉप ड्रॉप उसके अंदर चाय निकल रही है, छन रही है अपने आप। तो फ्रेंड्स इस चाय को पीने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, गर्मा गर्म हमारी चाय रेडी है। हेल्थ स्किन के लिए बहुत सुंदर है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। आप इसको व्रत में भी और बिना व्रत की भी पी सकते हैं। तो मैंने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हनी ले लिया था और हनी को मिक्स कर दिया। कैसे बनी चाय मेरी कमेंट जरूर कीजिए, आप कब पीने वाले हैं वो भी बताइए। ऑरेंज फ्लेवर की ये चाय आपने पी है या नहीं पी है जरूर मुझे बताइए, मेरे पीने में तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप कब बना के पीने वाले हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।